बिग बॉस ओटीटी में आ गया है सबसे पहला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट जो है पुनीत सुपरस्टार। उनकी ये आवाज़ आज पूरे ही बिग बॉस कंटेस्टेंट को सोने नहीं देगी, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार हो गए हैं बहुत ही परेशान। और बिग बॉस में आते ही जैसे ही जनता ने उनको दो रैंक दिया था और जनता की आवाज़ जो बैठे हुए थे एमसी स्टैन और बाकी के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने 2 से सीधा सीधा तेंदुलकर के 10वीं नंबर पर डाल दिया। और इस चीज़ को लेके उनके चेहरे के एक्सप्रेशन शुरू में स्टेज में दिख गए थे कि वो बहुत ही परेशान हो गए हैं। और उनकी जो मेन कोर थी, जो वो हंसाने की जो कैपेबिलिटी, जो सोच के बिग बॉस में आए थे कि लोग वो देखेंगे और वो हंसेंगे, आज वो सब दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आके वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। 6,000 करोड़ पता नहीं कितनी कितनों की मूवी इनके लिए वेट कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदि पुरुष इन्होंने ही डायरेक्ट की है, पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ और ये क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, या कभी इन्होंने बिग बॉस देखा है या नहीं देखा है। और बहुत ही अननेसेसरी टॉपिक पे ये एक ही चीज़ को रिपीटेटिव बोल रहे हैं। मुझे देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद अपनी रियलिटी प्रदर्शन करेंगे बिग बॉस ओटीटी में, बस जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे क्योंकि अभी लाइव चल रहा है ओटीटी, रात हो रही है, कोई सो नहीं पा रहा है, आलिया दिख रही है बहुत परेशान और बहुत ही सारे कंटेस्टेंट, एक यूट्यूबर भी होगा जो वो बोल रहे कि मैं इनको नहीं पहचान पा रहा क्योंकि लोग परेशान हो गए इनकी इस तरीके से बिहेवियर से। ये बोल रहे हैं कि मुझे बिग बॉस में नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है, मेरे बहुत ही करोड़ों की संपत्ति है, मेरे बहुत ही फॉलोअर्स है। होंगे भाई साहब आपके फॉलोअर्स होंगे, देखो 15 मिनट की रील्स और सॉरी 1 मिनट की रील्स या 1 घंटे की वीडियो या जो भी चीज़ है, उनसे आदमी की पर्सनैलिटी नहीं समझ में आती। बट हाँ, अभी देखो बिग बॉस ओटीटी में आपको सामने दिखेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। साइरस बरोचा भी परेशान हो गए, जो कि खुद एक प्रैंकस्टर रह चुके हैं और वो इनको इनकी हरकतों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको कैसा लग रहा है इनकी ये हरकतें, आप जब अगर देख रहे हैं बिग बॉस ओटीटी लाइव में तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें तो यार मतलब कभी थोड़ा कॉमेडी लग रहा था, लेकिन अब ये रिपीटेटिव थोड़ा सर में चढ़ गया है और आई एम रियली फीलिंग बैड कि ऐसे कंटेस्टेंट भी आ रहे हैं। एंड मनीषा रानी स्टिल शी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब, सो वोट फॉर मनीषा रानी। सो बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज योर हिंदी रिव्यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।